इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी का स्वागत अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में पांचवा अध्याय, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। इस अध्याय के अंतर्गत राजस्थानी चित्रकला और चित्रकला की विशेषताएं, चित्र शैलियां को अपन ने पढ़ लिया था। आगे की क्लास में हम लोक कलाएं को पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में, कौन कौन सी लोक कला है, कहाँ की जो क्षेत्र विशेष है, उन सब को इसमें जानेंगे, कौन कौन सी लोक कलाएं देखेंगे, सांझी है, उसके बाद में मांडना, फड़, पाने, कावड़, गोडलिया, मेहंदी, गोदना, कोठियां, व्हील, कठपुतलियां, ये कुछ लोक जो कलाएं हैं उसको अपन इसमें पढ़ेंगे। तो जो लोक कलाएं इस बुक में दे रखी है उनको अपन देखेंगे। इसके अलावा और भी काफी लोक कलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो दी जा रही है वो तो अपने को याद होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लोक कला, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अंत में आप वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना है। तो लोक कला में क्या आता है कि ऐसी कलाएं जो जनमानस के द्वारा अपनी इच्छाओं और जो आकांक्षा होती है उनको सांस्कृतिक रूप से कला के में यानी प्रदर्शित किया, जो कला राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है, ऐसी कलाओं को अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो विश्व बाजार में और कला प्रेमियों के लिए एक विशिष्ट ही पहचान है। जिस कला के लिए कौन कौन सी कलाएं हैं वो अपन जानेंगे। तो बात करते हैं लोक कलाएं, आम इंसान के द्वारा बिना किसी ताम जाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में जो पेश किया जाता है उसको लोक कला कहलाती है। ठीक है, तो लोक कला की परिभाषा क्या है, तो अपन बता सकते हैं कि आम इंसान के द्वारा, आम जनता के द्वारा बिना किसी ताम जाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र हो, संगीत हो, नृत्य हो आदि के रूप में जो पेश किया जाता है उसको लोक कला कहलाते हैं। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो अब इसमें लोक कलाएं की बात करें तो कौन कौन सी लोक कलाएं पढ़ेंगे, इसमें पहली अपनी आ रही है सांझी। सांझी तो एक तो प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक कला नहीं है। ऑप्शन में दे दिया मांडना, सांझी, बणीठनी, गोदना, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो बणीठनी ये इस प्रकार के जो चित्र है वो चित्र शैलियों में लोक कला में नहीं है। चलिए सांझी, सांझी की बात करते हैं। तो सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। तो दशहरे से पहले सांझियां मनाई जाती, श्राद्ध पक्ष आता है। कब आता है श्राद्ध पक्ष, तो ये श्राद्ध पक्ष आता है भाद्रपद पूर्णिमा से, भाद्रपद पूर्णिमा से, भाद्रपद के बाद में क्या आ जाएगा अश्विन, तो अश्विन अमावस्या तक, अश्विन अमावस्या तक, यही तो होते हैं श्राद्ध पक्ष, और इसी समय पूजी जाती है सांझियां, सांझियां मनाई जाती है। तो सांझियां कौन से महीने में
जो पूजी जाती मनाई जाती है, तो आश्विन अमावस्या तक, यानी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, यानी आश्विन जो महीना है उसका जो पहला पखवाड़ा है कृष्ण पक्ष वाला, उसमें सांझिया और श्राद्ध दोनों मनाए जाते हैं, पूजे जाते हैं। वैसे सांझिया जो है इसका जो आरंभ है, सांझिया बनाने की जो परंपरा है, ये आरंभ किया था भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने सांझिया बनाने की परंपरा को आरंभ किया था। तो राजस्थान में जो सांझिया मनाने की जो कला है वो कहाँ से मानी जाती है, कहाँ से आरंभ मानी जाती है, तो बताएंगे ये जो कला है वो वृंदावन से आरंभ मानी जाती है, वृंदावन से आई हुई मानी जाती है राजस्थान में। यस, कुंवारी कन्याएं सफेदी पूती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है और उसका पूजन करती है। इसे सांझी, संजुली, सांजुली, सिंजी, सांझ के हांजी, हांजिया आदि कई नामों से जाना जाता है। तो सांझियों को और किस किस नाम से जानते हैं, तो सांझी हो गया, संजली हो गया, सांजली हो गया, सिंजी, सांझ के हांजी, हांजिया, इन नामों से जानते हैं सांझी को। कन्याएं गोबर से रेखाएं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्राकर्षक चिंताकर्षक आकृतियां जो बनाती है वही सांझिया है। फिर बात करें जो सांझी है, सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। तो प्रश्न आ जाए, सांझी में किस देवी को, किस देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है, तो सांझी को माता पार्वती का रूप मान करके पूजा की जाती है। पहले दिन से दसवें दिन तक एक दो प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं। पहले दिन से दस दिन तक तो प्रतिदिन रोज एक या दो प्रतीक बनाते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट के जो पांच दिन बहुत बड़े आकार में सांझियों की रचना की जाती है, जिसे सांझिया कोट कहते हैं, सांझिया कोट। प्रश्न आ जाए कि सांझिया कोट क्या होता है, तो सांझियों का जो विकसित रूप है या बड़े आकार की जो सांझी है उनको अपन सांझिया कोट कहते हैं। बड़े आकार की सांझी या सांझी का विकसित रूप क्या कहलाता है, सांझिया कोट कहलाता है। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन क्या बनाते हैं, पांच फूल बनाते हैं। पहले दिन तो सूर्य, चंद्रमा, तारे बना दिया, दूसरे दिन पांच फूल बना दिया, तीसरे दिन पंखी बना दिया, चौथे दिन हाथी सवार बना दिया, पांचवे दिन चौपड़ बना दिया, छठे दिन स्वास्तिक बना दिया, और सातवें दिन गेवर, आठवें दिन ढोलक नंगाड़े, नवे दिन क्या बना दिया, बंधनवार, और दसवें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी पांच दिन सांझिया कोट में बीचों बीच में सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। तो ये देखा था अपन ने सांझी, ठीक है। तो सांझी में अपने को क्या क्या याद रखना है, आप शॉर्ट चीज ही याद रखोगे तो आप एक तो याद रखना सांझी ये श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, यानी 15 दिन तक लगातार गोबर की आकृति को उकेरते हैं, फिर बाद में उसकी पूजा करते हैं। और उसके अलावा सांझी किसका रूप माना जाता है, तो माता पार्वती का, और बड़े आकार की जो सांझी होती है उसको सांझिया कोट कहते हैं। और सांझियों के लिए राजस्थान में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो सांझियों के लिए राजस्थान में मच्छंद्रनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। उदयपुर में मच्छंद्रनाथ का मंदिर सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मच्छंद्रनाथ का मंदिर
साजियों के लिए प्रसिद्ध है। एक आप ध्यान रखोगे, नाथ द्वारा राजसमंद में नाथ द्वारा जो सेना जी का मंदिर है वो केले की साजियों के लिए प्रसिद्ध है। केले की साजियां, केले की साजियों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है तो बताएंगे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर। और यूं आ जाए कि साजियों के लिए राजस्थान का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है तो उदयपुर का मच्छेंद्रनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये देखते पढ़ने साजिया। अब आगे बात करते हैं मांडना। मांडना देखा होगा, मांडना दीवारों के ऊपर या घर के आंगन पर कुछ कलात्मक आकृतियां बनाते हैं उनको मांडना कहते हैं। मांडना, मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। जो अपने घरों पर दीवारें वगैरह होती है इस पर कुछ आकृतियां बनाते हैं वो मांडना होते हैं। घर की देहरी, देहरी देहरी बोलते हैं आपके उधर, क्या बोलते हैं हमारे बोलते हैं, मतलब बाहर और अंदर का जो पार्ट है दरवाजा रहता है। ठीक है, देहरी या थली, थली है ना, देहरी में, घर की देहरी में, चौकट में, आंगन में, चबूतरा चौक घड़ा रखने के स्थान पर और पूजन स्थल पर आदि पर ये जो मांडने अंकित किए जाते हैं। घर के जो है थैली है, दहली है कि गेट जहाँ लगा हुआ रहता है अंदर और बाहर की स्थिति, वहाँ हो गया, चौकट हो गया, आंगन हो गया, चबूतरा चौक हो गया, जहाँ गड़ा रखा जाता है उस जगह पर और पूजा की जाती है उस जगह पर कई सारे मांडने अंकित किए जाते हैं। अब देखो किस किस समय पर कौन कौन से मांडने मांडे जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर जिनको अपन पगलिया कहते हैं। ठीक है, स्वास्तिक, स्वास्तिक भी अपने गणेश जी का ही प्रतीक है। अब यहाँ पगलिया और स्वास्तिक में आप ध्यान रखना, स्वास्तिक ये राजस्थान का सबसे छोटा मांडना, राजस्थान का सबसे छोटा मांडना कौन सा है, स्वास्तिक है, जिसमें चारों दिशाओं, चार दिशाएं बनाते ऐसे इस प्रकार से, सॉरी गलत बन गया है, ऐसा नहीं बनेगा, स्वास्तिक इस प्रकार से पहले चार बनाएंगे ऐसा, ऐसा स्वास्तिक बनता है जो चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं को प्रतीक मान करके ये बनाया जाता है जो गणेश जी का प्रतीक है। और ये राजस्थान का सबसे छोटा मांडना है स्वास्तिक। और पगलिया है लक्ष्मी जी के पगलिए, पगलिया में ध्यान रखना सर्वाधिक बनाया जाने वाला मांडना कौन सा है तो पगलिया है। लक्ष्मी जी का जो पैर है वो सबसे ज्यादा मांडना पगलिया बनाए जाते हैं। उसके स्वास्थ्य के साथ साथ गलीचा हो गया, मोर मोरनी हो गया, गमले हो गया, कलियां, बंधनवार, ठीक है, और बच्चे के जन्म पर जो गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर अपन श्रवण कुमार बनाते हैं, गणगौर पर गुणों यानी एक मिठाई का जोड़, गेवर, लेरिया, तीज पर अपन गेवर, लेरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल वापस घर लौट आते हैं तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी बनाया जाता है या पतवारी मांडी जाती है। कोई तीर्थ यात्रा करके जब सकुशल वापस लौट आते हैं तब इस खुशी में पुष्कर पेड़ी या पतवारी मांडी जाती है। तो प्रश्न आ जाए कि पुष्कर पेड़ी मांडना किस अवसर पर बनाए जाते हैं तो बता देना कि पुष्कर पेड़ी जो है ये कोई तीर्थ यात्रा कर वापस सकुशल घर लौटते हैं तब मनाए जाते हैं, मांडना मनाए जाते हैं। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, व्रत आदि आकृतियां भी बनाई जाती है। और ये मांडने अत्यंत सरल होते हैं, होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण होता है। ये अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त और ज्योमेट्री ज्योमितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है मांडना। फिर आगे बात करते हैं फड़। अगला जो अपने लोक कलाएं आ रही हैं
वो आ रही है फड़। जानते हैं सभी फड़ को? यस, फड़। भीलवाड़ा के सापुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी छितेरु द्वारा पट चित्रण किया जाता है। एक तो फड़ कहां पर, यह फड़ कला कहां की प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे की है। कौन सी जाति के द्वारा? तो छिपा जाति के जोशी जो चितेरे होते हैं उनके द्वारा है पट चित्रण है, जिसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। और भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार है। श्रीलाल जी जोशी को 2006 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेट कर गांव गांव जाकर के पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्ता या जंत्र वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए वाचन करते हैं। कपड़े पर जो है लोक देवताओं की जीवनियों का जो चित्रण होता है उनको अपन फड़ कहते हैं। फिर भोपे जो है वो गांव गांव ले जाते हैं, लकड़ी पर उनको प्लेट करके ले जाते हैं, फिर वहां खोल करके रावण हत्ता, जैसे बाबूजी की फड़ है तो वो रावण हत्ता के साथ बांची जाती है, और देवनारायण की फड़ है वो जंतर वाद्य के साथ बांची जाती है। ठीक है, ये लोक नाट्य गायन वादन और मौखिक साहित्य चित्रकला और लोक धर्म का एक अनूठा संगम है, जिसमें लोक नाट्य भी हो गया साथ साथ में गाया भी जाता है और मौखिक साहित्य चित्रकला का भी एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवी देवताओं लोक देवताओं के जीवन के अनेकों प्रसंगों व उनसे संबंधित चमत्कारों का चित्रित किया जाता है, साथ में गाते जाते हैं और चित्रों के द्वारा बताया भी जाता है। चित्रों में प्रमुखाकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। कौन प्रमुख रहता है? जैसे ये बाबूजी की फड़ है, इनमें बाबूजी प्रमुख है, उनको बाबूजी का जो चित्र वो बड़ा दर्शाया जाता है। प्रमुखाकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है, अन्य आकृतियां उसके अनुपात में कई छोटी बनाई जाती है, अन्य आकृतियों को छोटी बनाई जाती है। रंगों का चित्रात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है, जैसे देवियां नीला कलर से, देव लाल कलर से, राक्षस काले कलर से, साधु जो होते हैं वो सफेद और पीले, सिंदूरी व लाल रंग जो है शौर्य और वीरता के प्रतीक होते हैं। अलग अलग कलर बताए जाते हैं, उस कलर में से भी अपने को कुछ प्रकट होता है कि जहाँ देवियां होती वहां नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, देवताओं के लाल रंग का हो गया, राक्षस आते हैं उसको काले रंग का, वहां पर काले रंग का प्रयोग किया गया है, साधु होते हैं उसको सफेद या पीले रंग से, और सिंदूरी लाल रंग जो है शौर्य और वीरता का प्रतीक होता है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते दो सूती कपड़ों रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल के मांड में गोद मिलाकर कलप लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है और इस पर 5-7 रंगों में से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जमाल, हड़ताल, थ्योड़ी, सिंदूर, हिंगूल, काजल, चूना व नील आदि का इसमें प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा लाल रंग कपड़ों में और भूरा वास्तु निर्माण में, और अंतिम रेखाएं खुले केवल काले रंग की जाती है। तो कहने का मतलब आपको जो फड़ है, फड़ में ध्यान रखना है, एक तो सापरा भीलवाड़ा की है सभी को ही पता है, और छिपा जाति
श्री जी जोशी है, इसके प्रसिद्ध कलाकार है श्री लाल जी जोशी, इसका प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। इस कला के ठीक है, और कौन कौन से दो तीन पड़े आप ध्यान रखना है। बाबू जी की पड़ है जो सबसे लोकप्रिय पड़ है, रावण अवतार वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। फिर उसके अलावा ध्यान रखेंगे अपन कि देवनारायण की पड़ है, ये सबसे पुरानी पड़ है, सबसे लंबी पड़ भी है। 1992 में इस पड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है, जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में इसको बांची जाती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पाने, पानों की बात करते हैं। ये किसका आ गया है सिंबल, यस पाने, पाने की बात करें तो पाने क्या होते हैं, एक मिनट के लिए इसको वापस लाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारे। यस, तो अपन बात कर रहे थे पाने, पाने जो कागज पर देवी देवताओं का जो चित्रण होता है वो पाने होता है। ठीक है, घरों पर पहले क्या होता कि दीवारों पर जो है कई चित्रकारी की जाती थी, कई सारे चित्र वगैरह बनाए जाते थे। यदि किस दीवारों पर वहां पर या कई गांव में वो चित्रकार के सुविधा नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या करते हैं, कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र लाते हैं, वो ला करके अपन दीवार पर लगा देते हैं, वो होता है पाने। तो राजस्थान में विभिन्न उत्सवों त्योहार पर देवी देवताओं पर बने चित्र यानी पाने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं दीवारों पर। अलग अलग उत्सव पर अलग अलग पाने लाते हैं, पहले दीपावली पर जो देवी देवताओं के, दीपावली पर लक्ष्मी जी का पाना लाते थे, बड़ा पाना लाते थे पाठा, और भगवान शंकर के और सभी देवताओं के, मतलब लगभग लगभग देवताओं के ला करके अपन जगह जगह दीवारों पर लगाते थे, वो हो जाते हैं पाने। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में, जो दीवार पर जो चित्र बनाते हैं उसके विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन होता है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय अनुसार प्रस्तुत करते हैं, नवरात्रों पर अलग लगाते हैं और दीपावली पर अलग लगाते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित है, जिनमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है कलात्मक है वो श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है। तो सीधा तो ध्यान रखना कि जो पाना है, पाना क्या होता है, तो देवी देवताओं का जो कागज पर है जो चित्र होता है उनको पाने कहते हैं। और सर्वाधिक कलात्मक पाना कौन सा है, तो श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है। ठीक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है। आगे बात करते हैं कावड़, कावड़ 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 बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है, खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। तो कावड़ के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो कावड़ के लिए चित्तौड़ का बस्सी गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कावड़ में क्या होता है कि लकड़ी का ऐसा मंदिर टाइप का होता होता है, जिसमें अलमारी अपन देखते हैं, अलमारी को जब खोलते हैं तो सिर्फ वो इस प्रकार से खुल जाती है, ठीक है, पट होते खुल जाते हैं, लेकिन कावड़ इस प्रकार से बंद रहता है, फिर उसके अलग अलग पट खुलते जाते हैं,
और उस जैसे प्रकार से खुलते जाते हैं उसमें अलग अलग देवताओं का जो चित्र आते रहते हैं वो है कावड़, जिसमें प्रभात जी सुतार को कावड़ का जनक माना जाता है। प्रभात जी सुतार, प्रभात जी सुतार का संबंध किससे है? कावड़ से। यस, यहां के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, तो यह भी इंपोर्टेंट है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कौन से लोक कला से है? तो कावड़ से है। अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई प्रयोग नए प्रयोग किए हैं। इनकी बनी कावड़ देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वास से जुड़ी, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान भी करते रहते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, जिसमें कई द्वार बने हुए होते हैं, कई गेट वगैरह बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं। सबसे लास्ट में, अंत में राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती है। कावड़ में लाल रंग, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। वह उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है, जिसमें महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों और घटनाओं का चित्रण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, गुरुड़ और लोक देवताओं में बाबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, हरिश्चंद्र हो गया, गोपीचंद्र हो गया, और गोपीचंद भर्तरी की कथानक कावड़े इसमें चित्रित किए जाते हैं। ठीक है, जिसको चलता फिरता देवताओं का घर कहते हैं, कावड़ को। लगभग सभी देवताओं के चित्र इसमें बने हुए रहते हैं। ये था कावड़। फिर बात करते हैं गोड़लिया। गोड़लिया पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। पहले क्या करते हैं, जो कोड़े होते हैं या और भी ऊंट वगैरह होते हैं, उन पर निशान बना देते थे। मतलब आग के अंदर जो है लोहे के जो सरिया होता है उसको गर्म कर देते थे, फिर उसके ऊपर निशान बना देते थे। उससे पता चल जाता था कि भाई ये घोड़ा अपना ही है या दूसरी सेना का है, दाग देते थे। या कोई जो पशु है देवताओं छोड़ देते थे, देवताओं के नाम पर छोड़ देते। फिर पहले क्या होता था, जैसे बैल हुआ या कोई बकरा हुआ, ऐसे प्रकार के जो छोटा होता था बीमार हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब ये बचने में नहीं है, तो भाई ये कुछ दिनों में इनकी मृत्यु होने वाली है। तो फिर देवताओं के नाम पर क्या करते थे कि उनको छोड़, मतलब देवताओं के नाम पर रख देते कि यदि ये जीवित रह जाएगा तो आपके नाम हम इसको छोड़ देंगे। तो फिर जब देवताओं के नाम पर उसको छोड़ते थे तो उसमें निशान बना देते थे कि ये देवताओं का, फिर उसको देखने पर पता चल जाता कि ये देवताओं के नाम पर छोड़ा हुआ है। हाँ, तो पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक जो दाग दिए जाते हैं, ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दाग दिए जाते हैं। दागने की ये क्रिया अटेरना या दाग के निशान को गोड़लिया कहते हैं। पशुओं के ये जो चिन्ह कई जाति विशेष के, तो कई अंचल विशेष के, तो कई राजघराने के भी प्रतीक होते हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्था, प्रतीक चिन्ह, मानवाकृति, विविध कृषि के उपकरण तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के विभिन्न आंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे की सरिये, मिट्टी की ढकनी या लोहे पीतल के अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे की बात करें मेहंदी। अगली लोक कलाओं में आ रही है मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है।
स्त्रियां एवं बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती है, हाथों पे जो बारीक के मांडने मांडती है वो मेहंदी हो गया। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म पर विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान बनाते हैं, हटड़ी की बात, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के जो पैर पगलिया, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लेरिया, चीक, शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख हैं। तो ये अपन ने देखा था मेहंदी। गोदना, गोदना शरीर पर जो चित्र बनाते हैं वो है गोदना। देखा होगा मेले में अपन कई सारे नाम लिखवा करके आ जाते हैं, ओके, गोदना। तो ये गोदना की शुरुआत भी है भगवान कृष्ण ने की थी। भगवान कृष्ण के द्वारा ही गोदना की शुरुआत की गई थी। राजस्थान को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना खुदवाने की परंपरा का विकास हुआ है। शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना खुदवाए जाते हैं। किसी तीखे औजार से, तीखे जो औजार होता है, से शरीर के ऊपर की चमड़ी को खोद कर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदने जो खुदवाने का अधिक चाव रहता है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में कोई आभूषण वगैरह है, आभूषण नहीं ला पाते हैं तो उसकी जगह पे क्या करवा देते हैं, गोदना कर, ठीक है। पहले हमारे टाइम पे तो जो मेले में जाते थे, मेले में लोग बात क्या करते थे कि हाथ पर घड़ी बना करके आओ। महिलाएं क्या करती थी, घड़ी नहीं बांध जानती है, या घड़ी नहीं बांधती थी, या टाइम देखना नहीं आती, अनपढ़ रहती थी, तो ऐसे ही हाथ पर जो है घड़ी बनवा करके आ जाते थे। फिर जब भी देखते थे वो घड़ी उनके बना हुआ रहता था, या नाम लिखवा करके आ जाते थे, या कहीं और आकृति बना करके आ जाते थे। तो आभूषण के भाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने खुदवा करके अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद बनाती है, ठीक है, तिलक बनाती है, आड़ खुदवाती है, आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया खुदवाती है। धार्मिक प्रतीक है, जैसे कोई अपने शरीर पर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, कोई ओम बनाता है, कोई त्रिशूल बनाता है, कोई पशु पक्षी, कोई फूल पत्तियां बनाता है, कोई वृक्ष, या दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं खुदवाई जाती है गोदवाना में। तो यह देखा अपन ने गोदवाना। फिर है कोठियां, जानते हो कोठियां, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियों का निर्माण किया जाता था, और कोठियां चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के जाली, जरोके और कंगुरे, देवी देवताएं, जीव जंतु, बैल बूटे तथा मांडने उकारे जाते हैं। इन कोटियों में अन्न के अतिरिक्त, पहले जो कोटिया है जो धान के कोटे होते थे बड़े बड़े, जिसे अनाज रखने के काम में आते थे, गेहूं वगैरह मम्मी है गेहूं सो करके उसके अंदर भर देती थी। उसके अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि भी उस कोठियों में रखी जाती थी, ठीक है। आजकल तो कोठियां बहुत कम देखने को मिलती है गाँव में, पहले ज्यादा मिलती थी कोठियां। व्हील क्या होता है, देखो, पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की लकड़ी, बांस की पतली पतली खपचियों को धागे में
बांध करके घोड़े की लीद से मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न प्रकार के खाने लिए होती है, मतलब हटड़ी टाइप की होती है। इस टाइप से गोल हो गए, फिर ये इस प्रकार से ये बन जाती थी, जिसमें किसी में लून मिर्चियां वगैरह ऐसे रख सकते थे, उसको हटड़ी कहते हैं। ऐसे खिपचे टाइप की बनी होती है ऐसे, ठीक है, जिसमें जगह जगह ऐसे बांधनवाड़ बोलते हैं, बांधनवाड़, जिसमें दैनिक आवश्यकता ही होती है, सुई हो गई है या बटन हो गए हैं, ठीक है, और भी जो चीजें हैं वो इसमें रखी जाती है। बांधनवाड़ जाना होगा, बांधनवाड़ कपड़े पर बनी होती है और ये मिट्टी के बनी हुई होती है। छोटे छोटे गवाक्स जालियां कंगूरे बनाए जाते हैं, इन छोटे छोटे पर इस पर कांच भी चिपका दिए जाते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील फेंकने को मिलती है। ओके, यूं मान लीजिए ये इस टाइप का हो गया, यहाँ पर कुछ चीजें रखी जाती है, यहाँ पर कुछ चीजें, यहाँ पर कुछ चीजें। फिर बात करते हैं कठपुतलियां। कठपुतलियों का जन्म राजस्थान में ही हुआ है। राजस्थान में कठपुतलियों का जन्म माना जाता है। धागे की सहायता से काष्ठ से बनी कठपुतलियां का कमाल देखते ही, पुतलियों है का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। कौन कौन सी कठपुतलियां प्रसिद्ध है, मतलब इस पर जो कठपुतलियों कैसे नचाई जाती है, जिसमें सिंहासन बत्तीसी हो गई, पृथ्वीराज संयोगिता हो गया, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर जाकर के दिखाए जाते हैं कठपुतलियों के। और सन 1965 में रोमानिया, यूरोपियन एक देश है रोमानिया, उसमें आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतलिया समारोह में राजस्थान के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला को विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त करके तहलका मचा दिया था। ओके जी, तो ये थी कठपुतलियां। एक ध्यान रखना, कठपुतलियां ये किस कौन सी लकड़ी से बनी होती है, तो ये अरडू की लकड़ियों से बनी होती है, ठीक है, अरडू की लकड़ियों से बनी होती है, नट जाती है। वो कठपुतलियों के नचाने में प्रसिद्ध कलाकार होते हैं। और एक ये ध्यान रखना, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है, तो उदयपुर में है भारतीय लोक कला मंडल। चलो अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पिछवाई चित्रांकन है किस चित्र शैली की विशेषता, पिछवाई चित्रांकन है, तो पिछवाई भगवान कृष्ण का जो कपड़े पर है, जोशीनाथ जी की जो मूर्ति है उनके पीछे, मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का जो चित्रण किया जाता है उनको पिछवाई चित्रांकन, पिछवाई कला कहते हैं, जो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है। बणी ठणी किस चित्र का, किस बणी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो बणी ठणी अपनी हो जाएगी किशनगढ़ चित्र शैली से है। इसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल, ये चित्रकला किस शैली से संबंधित है, तो ये जो चित्रकार है जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल, ये अलवर शैली से संबंधित है। फिर आगे बात करें जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम क्या है, ये नहीं हटता दिखता, अभी हटा तो था, न जाने वापस कहां से आ गया। यस, अगला है जयपुर राज्य में
जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तोसा खाना, सूत्र खाना या सूरत खाना या फिर जवाहर खाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है सर हमारा सूरत खाना। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है बूंदी शैली। पक्षियों को ये पक्षियों पर पशु पक्षियों पर चित्र बनाए गए हैं। सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता माता, दुर्गा माता, उषा माता या पार्वती। तो सांझियों के लिए ये पार्वती माता है। सांझ पार्वती माता का प्रतीक मान करके पूछते हैं। फड़ वाचन का कार्य कौन करता है? फड़ वाचन का कार्य बोपे लोग करते हैं, बोपे जाति के द्वारा किया जाता है। मांगीलाल मिस्त्री का मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? तो मांगीलाल मिस्त्री का प्रसिद्धि जो क्षेत्र है वो रहता है कावड़, कावड़ में इनकी प्रसिद्धि है। फिर बात करें फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी कौन से जिले से, किस जिले से निवासी है? तो श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। चलो फिर आगे प्रश्न देख लेते हैं। चित्रशाला का परिचय दीजिए। चित्रशाला, चित्रशाला जिसके अंदर चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं के द्वारा, ऐसा स्थान जिसमें चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, चित्रों का निर्माण किया जाता है चित्रशालाओं में। बूंदी शैली की दो विशेषता बताएं। बूंदी शैली ये पशु पक्षियों को महत्व दिया है, प्रकृति चित्रण पर चित्र बनाए गए हैं। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो अपन बता सकते हैं जैसलमेर से 1060 ईस्वी में प्रत्यारकालीन मिले हुए हैं ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। फर्स्ट में अपन ने देखा था निसारदीन कौन था? तो निसारदीन ये अमर सिंह के समय एक चित्रकार था। इन्होंने 1605 ईस्वी में रागमाला चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया है। पिछवइयों से आप क्या समझते हैं? पिछवइयां भगवान श्री नाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण का जो बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है वो पिछवई कला है। फिर बात करते हैं पाने, पाने हो जाएगा अपने कागज पर, फड़ हो जाएगा कागज पर, मांडना रंग हो जाएगा और कावड़ लकड़ी से संबंधित हो जाएगी। सांझी पूजा किस समय की जाती है? सांझू की पूजा कब करते हैं? श्राद्ध पक्ष के समय, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या के समय सांझू की पूजा की जाती है। अगला गोड़लिया, गोड़लिया से आप क्या समझते हैं? तो जो पशु पर जो चित्रांकन किया जाता है मतलब चित्र दागा जाता है लोहे या लकड़ी के जो है उसको गर्म करके उस पर जो निशान बनाए जाते हैं दागे जाते हैं उसको गोड़लिया कहते हैं। सारिया, सारिया से आप क्या समझते हैं? क्या होता भाई सारिया बताओ देखें। तो सारिया में आंखों की जो नीचे वाली जो पुतली है इस पर जो पैनी दर्शाया जाता है वो सारिया होता है। आंख के जो नीचे की जो पुतली होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर है कुछ ऐसे निशान बना देते हैं वो होते हैं सारिया। मांडना की कोई चार विषयों के नाम लिखिए। मांडना, मांडना कब मांडे जाते हैं? मांडना में अपने जैसे विवाह के अवसर पर है और दीपावली के अवसर पर है, तीज के अवसर पर है, ठीक है, ऐसे अवसरों पर मांडने मांडे जाते हैं जिसमें कौन कौन से ये भी आप लिख सकते हैं। स्वास्तिक है, लक्ष्मी जी के पैर हो गया, पगलिया हो गया। सांझी पूजा कितने दिनों तक चलती है? तो ये लगभग 15 दिनों तक चलती है सांझिया और मच्छेंद्र नाथ इसका
मच्छिंद्रनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है सांझियों के लिए। पाने क्या है, तो भगवान का जो कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है वो सांझियां होती है। ग्रामीण अंचल में कोटियां किस उपयोग में ली जाती थी, तो ग्रामीण अंचल में जो कोटियां अभी भी लेते हैं हालांकि, तो कोटियां है अनाज रखने के लिए और घी दूध दही इनके रखने के काम में आती थी कोठियां। तो ये अपन ने देखा था। अब प्रश्न है वो डिटेल से जो बड़े वाले प्रश्न है उनको आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने राजस्थानी चित्रकला को समझा था, पढ़ा था, चित्रकला में चित्रकला की विशेषताओं को जाना था, फिर उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण किया था, फिर मेवाड़ शैली, मेवाड़ में उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली देखा, फिर मारवाड़ में जोधपुर शैली देखा, उसके बाद में बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, अजमेर शैली देखा है और हाड़ौती शैली देखा है, फिर कोटा शैली है, कोटा शैली में, हाड़ौती शैली में बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली देखा, ढूंढाड़ में आमेर शैली और जयपुर शैली, आमेर शैली में ढूंढाड़ में आमेर शैली हो गया, जयपुर शैली हो गया, अलवर शैली हो गया और उनियारा शैली, शेखावाटी के भित्ति चित्र देखे हैं, फिर लोक कलाएं देखी है। लोक कलाओं में अपने सांझी, मांडना, फड़ और उसके अलावा फड़ के आगे आगे अपन ने और क्या देखा है, पाने देखे हैं, कावड़ देखा है, गोड़लिया, मेहंदी, गोदना, कोठियां, व्हील, कठपुतलियां, ये अपन ने जाना था। तो मिलेंगे अब अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। और आप कमेंट करके बताना ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस प्रकार के वीडियो में आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। सभी का एक बार फिर से सभी का धन्यवाद।